तो ये है मेरी न्यू यामा MT-15। अब यार इसकी पहली सर्विस हो चुकी है, 1300 किलोमीटर से ऊपर चल भी चुकी है, तो आज इसका राइड का रिव्यू करते हैं। चलाने में कैसी है, क्योंकि 1300 किलोमीटर मैंने इसको हर जगह चलाया है, इवन मैंने इसे एक तो बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड भी किया था, तो हर एक जगह का एक्सपीरियंस है। तो हाँ, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चलते हैं। ये पूरा हाईवे है, सिटी से जुड़ा हुआ। अगर आप MT-15 खरीदने वाले थे या आपका 2 लाख के आसपास का बजट था, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि MT से रिलेटेड बहुत कुछ आपको पता चलेगा। माइलेज कितना है, ब्रेकिंग कैसी है, चलाने में कैसे हैं, सब कुछ बताऊँगा। एक चीज़ और, इसमें ना ये देखो, मैंने टायर्स को अपग्रेड कर दिया था। जब मैंने बाइक को परचेस करा था तभी मैंने टायर डाल दिए थे, राइस का ट्रेस आर टायर डाला है, है ना। और ये टायर बहुत अच्छे हैं, देखो फ्रंट में भी सेम है राइस के, देखो राइस की ब्रांडिंग, ट्रेस आर टायर। तो अगर आप अपनी बाइक के लिए एक परफॉर्मेंस टायर सर्च कर रहे हो, तो आप राइस का ट्रेस आर टायर डाल सकते हो। MT के लिए भी है ना, R15 के लिए भी है, और अलग अलग साइजेस में भी आते हैं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से राइस की वेबसाइट को विजिट करके टायर्स देख सकते हो। चाबी लगाता हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो पहले मैं पोस्चर आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये बाइक जो है ना, बहुत ही कॉम्पैक्ट आपको लगेगी। जब आप इसमें बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप एक छोटी सी बाइक में बैठे हो। सीट में राइडर के लिए तो अच्छा स्पेस है, बट पिलियन सीट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है। हैंडल बार आप देख सकते हो, सिंगल पीस वाला हैंडल बार है। वाइडनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब इतनी है कि आपको हाईवे में भी ठीक ठाक मिल जाएगा, और सिटी में इजली आप निकल भी पाओगे। फुट पैक्स जो हैं थोड़े से पीछे साइड सेट हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक स्पोर्टी करेक्टर भी मिलता है चलाने में, और आप एक अपराइट पॉस्चर के साथ बैठते भी हो तो आपको कंफर्ट भी मिल जाती है। तो वो है कहानी। अब यार चलो राइड पे चलते हैं। फर्स्ट गियर में है बाइक, देखो 1397 किलोमीटर चल चुकी है, ओडो की रेडिंग है ये। तो यहाँ से राइड करते हैं स्टार्ट, और अभी मैं हूँ पिलियन के साथ। तो अभी बिल्कुल मैं टॉप स्पीड टेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ, आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करूँगा। और आप अगर MT लवर हो या MT आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि MT के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आएगा। वाइजर डाउन, ओके। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, कि जब आप इस बाइक को चलाना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा कोई पिकअप बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि ठीक है, नॉर्मल बाइक ही तो है, फिर परफॉर्मेंस जैसा मतलब आपको कुछ फील नहीं होगा। आप जिसमें एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो सेगमेंट के हिसाब से, तो आपको इनिशियली कुछ भी फील नहीं होगा चलाने में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका 7000 से ऊपर का RPM जाएगा और VVA एक्टिवेट हो जाएगा इसका, उस टाइम आपको परफॉर्मेंस में एक जंप देखने को मिलेगा। और आपको बताऊँ, यही रीज़न है कि अच्छा माइलेज देती है ये VVA की वजह से। स्टार्टिंग में छोटा वाला वेल्व ओपन होता है, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन VVA का फुल फॉर्म होता है। छोटा वाला वेल्व ओपन होता है तो कम एयर फ्यूल जाती है, तो कम फ्यूल बर्न होता है और माइलेज ज़्यादा मिलता है। हालांकि परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आप RPM बढ़ा दो, 7000 से ऊपर जाओ, VVA में बड़ा वाला वेल्व ओपन होगा, एयर फ्यूल ज़्यादा आएगी तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा लेकिन माइलेज कम मिलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। डिसेंट से स्पीड में रहोगे ना, 40-50-60, तो आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। 50 का तो मैं ही माइलेज निकाल रहा हूँ 50 किलोमीटर पर लीटर का। मैंने ऐसी भी देखी है भाई, मेरे पास आपको बताऊँ, मैंने बताया था R15 V3 थी, तो उसमें तो मैंने 55 का माइलेज जब निकाला और लोगों को दिखाया, व्यूवर्स बोल रहे थे कि इतना माइलेज हो ही नहीं सकता। फिर धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया तो हाँ ठीक है। तो 6th गियर में हूँ, एक छोटा सा ये ओवरब्रिज है, तो मज़ा देखो ये बाइक को है ना, चलाने में बहुत मज़ा आता है। आपको सिटी में ऐसा लगेगा कि कम परफॉर्मेंस है, लेकिन जब आप ऐसे खुली रोड में जाओगे ना, आप RPM बढ़ाओगे तो आपको मज़ा आएगा चलाने में, है ना। और बिल्कुल कंफर्टेबल भी आप बैठते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप स्पोर्टी ऐसे भी नहीं बैठते कि आप बिल्कुल, है ना, पूरा स्पोर्टी। तो फ़ायदा भी होता है इसका कि आप थोड़ा कम्फर्ट के साथ साथ, फुट पैक्स पीछे है तो स्पोर्टी के साथ, कुल मिला कहना है कि स्पोर्टी के साथ साथ आप कंफर्ट भी इसमें फील करते हो। हाँ, कभी कभार सिटी में 2-5 किलोमीटर के लिए पिलियन बैठा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हैंडलिंग की बात करें यार, तो हैंडलिंग बड़ी ज़बरदस्त है सिटी के लिए, तो भाई एक नंबर बाइक है। आप सिटी में नहीं चल रहे हो, यू टर्न मारना हो, शॉर्ट व्हील बेस है, तो आप मतलब खड़े खड़े आप घुमा सकते हो भाई। और वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लाइट वेट होने की वजह से भाई आप मतलब हैंडल कर सकते हो, तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है। कॉर्नरिंग बड़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार, सस्पेंशन जो है इसके स्टिफ हैं, और वो स्टिफनेस मतलब मुझे ज़्यादा ही स्टिफ लगते हैं। वो स्टिफनेस आपको ऐसे फिर, जैसे आप ख़राब पैच में जाओगे ना, तो आपको जर्क बहुत फील होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ज़्यादा ही स्टिफ हैं। आपने फील करा, आपके पास अगर MT है, आपने चलाई हो, तो बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। बट स्टिफ सस्पेंशन है तो फ़ायदा ये भी है कि आपको कॉर्नरिंग में अच्छी हैंडलिंग मिल जाती है, अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है,
तो कहीं कहीं फ़ायदा है तो कहीं के थोड़ा बहुत नुकसान भी है। और शॉर्ट व्हील बेस का जैसे मैंने बोला ना कि भाई सिटी में फ़ायदा मिल जाता है आपको, लेकिन हाईवे में नुकसान है क्योंकि शॉर्ट व्हील बेस है, वेट भी कम है, तो हाईवे में आप अच्छी स्पीड में क्रूज़ नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी अनबैलेंस जैसी हो जाती है बाइक। तो फ़ायदा के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है इस बाइक का, है ना। बट ओवरऑल ये पूरा जो पैकेज है ना लोगों को बहुत पसंद है। अब देखो दो तीन चीज़ें ना इसकी मुझे बहुत पसंद है। पहली तो ये कि यार आप कहीं भी लेके जाओ, जितने भी यंग लड़के हैं कॉलेज वाले या जेन जी हैं टीनेजर्स हैं, ये इनको बहुत पसंद आती है। बहुत लोगों की पहली ड्रीम बाइक होती है ये, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि भैया ये बाइक मिल जाए मतलब जन्नत मिल गई। तो लुक वाइज लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। और दूसरी ये कि माइलेज बहुत तगड़ा देती है, अनएक्सपेक्टेड माइलेज देती है। मतलब महंगी बाइक है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, 19 पीएस की पावर है, उसी के साथ साथ आपको तगड़ा माइलेज भी देती है। तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाती है, मतलब परफॉर्मेंस के साथ माइलेज। और ज़्यादातर जिसके बायर्स हैं वही कॉलेज या जेन जी होते हैं, तो वो चलो एक बार करके कैसे भी करके पापा से खरीदवा लेंगे बाइक, लेकिन अगर रनिंग कॉस्ट कम होगा तभी वो फिर उनको मज़ा आएगा। तो ये इस बाइक के साथ है कि रनिंग कॉस्ट ओवरऑल जो डेली की रनिंग कॉस्ट है माइलेज वाला वो कम है। सर्विस भी आपको बता दूं कि मैंने पहली सर्विस करा ली है 1000 किलोमीटर में या एक महीने में होती है। तो पहली सर्विस में मुझे कुछ 1040 रुपये का कॉस्ट आया था। मैंने रील बनाई है तो वो आप इंस्टाग्राम में लिंक है, वहाँ से आके आप देख सकते हो। उस 1040 में मैंने क्योंकि चैन ल्यूब चैन क्लीन भी कराया था तो 260 रुपये कुछ उसका भी ऐड हुआ था। अगर मैं वो नहीं करवाता तो इसकी पहली सर्विस मेरी पड़ती 750 रुपये में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप सोचो 2 लाख रुपये की बाइक है ना, इतने तगड़े माइलेज के साथ है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी 750 रुपये का सर्विस कॉस्ट मतलब मिनिमम आ सकता है। ये लेबर फ्री सर्विस की बात कर रहा हूँ, इसमें लेबर चार्जेस नहीं लगते क्योंकि 3 सर्विस में लेबर फ्री रहता है। आपको USD देखने को मिलता है, गोल्डन USD, ऑल LED हेडलाइट्स हैं, LED इंडिकेटर हैं, LED टेल लाइट है। और जो हेडलाइट है LED वाली वो मतलब ठीक ठाक सी है, वो भी ठीक है, आपको मतलब अच्छा विजन अच्छी रोशनी दे देती है। अब थोड़ा सा मैं इसका आपको पिकअप दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना VVA वाला, अभी आप देख रहे हैं VVA का जो रेंज है यहाँ से इसमें दिखेगा अभी आपको स्क्रीन में। अभी 5th गियर में हूँ मैं, अब देखो मैं खींचता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, हालांकि ट्रैफिक है यार हाईवे में तो मैं ज़्यादा स्पीड टॉप स्पीड तो नहीं जाऊँगा, बट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ। ये देखो VVA ऑन हो गया ना, जैसे VVA ऑन होता है ना आपको एक सडन जंप देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में। अब यार जैसे टॉप स्पीड भी आप पूछो तो टॉप स्पीड में आपको बताऊं, देखो टॉप स्पीड ऐसा है कि आप 135-140 बड़े ही आराम से जा सकते हो, अगर आप मतलब का प्लान है कि टॉप स्पीड टेस्ट के ही करना है तब। लेकिन आइडियली क्रूज़ करने की बात जहाँ पे आती है तो 110-115-120 में आप इसको आराम से क्रूज़ करो, मज़ा आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओपन स्ट्रेच में क्लच भी लाइट है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बाकी यामा का इंजन है यार तो रिलायबिलिटी है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रिलायबल इंजन है, लॉन्ग लाइफ है, मेंटेनेंस भी कम मांगता है, क्लच व्लच आपको कभी फॉल्स न्यूट्रल जैसा कुछ भी फील नहीं होगा, क्लच भी लाइट है, तो ये सारी चीज़ें तो इसके साथ अच्छी ही हैं। 2,10,000 2,20,000 के बजट में जो कि R15 वाले इंजन के साथ आए तो ये आप चाहो तो पिक कर सकते हो। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन मतलब हैंडल बार में फील हो सकता है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता। ट्रैक्शन अच्छा है, डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग भी आपको जबरदस्त मिल जाती है, ब्रेक्स में बाइट तगड़ी है ना, जैसे आप रोकते हो आप सही से ब्रेक अप्लाई करते हो तो बाइक बहुत ही सडन रुक जाती है। इवन जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी आपको थोड़ा सा ख़राब रोड में अच्छी ग्रिप दे देता है, ट्रैक्शन लूज नहीं होने देता, वेट रोड में आपको अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो भाई फीचर लोडेड भी है, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना यामा कनेक्ट, लेकिन भाई वो बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं आपको बता दूँ अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या यामा कनेक्ट को मतलब वो कर रहे हो कि वो यूज़ करोगे तो भाई बहुत ही घटिया है, मत यूज़ करना। और मुझे जो ओवरऑल अभी एक्सपीरियंस रहा 1300 किलोमीटर का तो मज़ा आया, मतलब मैं अपनी इसको इधर उधर जाने का, अपना रेस्टोरेंट जाने का या इधर यूज़ करता हूँ कभी कभार वीकेंड में, वाइफ के साथ में अभी गया था मैं, तो हर जगह मुझे मज़ा आया है ना। जब मैं खींचना चाहता हूँ तो भगाता भी हूँ उसको, भक्ति भी है। हाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ, मुझे इसका ना एग्जॉस्ट साउंड नहीं पसंद आया, एग्जॉस्ट साउंड मुझे बहुत ही वीक लगता है जिस हिसाब से बाइक है। परफॉर्मेंस अच्छा था, थोड़ा एग्जॉस्ट भी अच्छा दे देते तो मज़ा आ जाता। आजकल तो 150cc में भी बेस तगड़ा मिलता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो इस बाइक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। हीटिंग वगैरह नहीं होती है, 155cc की बाइक है, लिक्विड कूलिंग है, तो यार क्या ही हीटिंग होगी इसमें, कूलेंट डलता है इसमें, यहाँ पर रेडिएटर है ना, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिकेटर भी देखो LED में है। मैं कुछ इसमें एक्सेसरीज भी डलवाऊंगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी मोड़ी, है ना, जैसे हज़ार लाइट वगैरह डलवाऊंगा,
है ना, कुछ कुछ चीज़ें और डलवाऊँगा। इस साइड से आप लोग देख सकते हो बाइक बहुत अच्छी है, राइस के टायर आपको अलग ही दिख रहे होंगे, येलो स्टिकर ब्रांडिंग है ना, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है गोल्डन USD के साथ, और जो व्हील का ऑरेंज कलर है वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ब्लैक कलर को, अलग अलग कलर है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो MT की बेजी है, तो स्टिकर वगैरह सही है, बट थोड़ा सा ये और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ लगती है मुझे। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई और क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो, और क्या इसमें वीडियो बनाई जा सकती है बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।